हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, एक बार फिर से हमारी और आपकी मुलाकात अपने बहुत बेहतरीन चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट पे हो गई है। और उसी के साथ साथ आज एक बार फिर से हम लोग शुरू करने चल रहे हैं अपने बायोलॉजी के बॉटनी वाले सेक्शन से एक बहुत बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो देखिए सबसे पहली बात क्या है, लेक्चर 01 पहले इसका देख लीजिए। लेक्चर इसीलिए छोटा छोटा बना रहे हैं, 5-5, 10-10 मिनट का। दूसरा चीज क्या है, अभी सिर्फ हमारा बेसिक लेक्चर लेक्चर 1 में हमने दिया है और उसी से थोड़ा सा रिलेट करके लेक्चर 2 में भी थोड़ा सा बेसिक चलेगा, लेकिन लेक्चर 2 का इस चैप्टर के लिहाजे से 50-50 वेटेज रहेगा। कैसे, आधा बेसिक पढ़ा देंगे और आधे में चैप्टर शुरू कर देंगे। तीसरी चीज क्या है, अगर अभी तक आपने लेक्चर नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, देख लीजिए। अगर आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन के किसी टॉपिक में दिक्कत है, किसी पार्ट में दिक्कत है, तो आपको ऊपर आई बटन और नीचे दोनों डिस्क्रिप्शन दे दिया गया है, आराम से चले जाइए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन को चेक कर लीजिए। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको कर लीजिए। क्यों, क्योंकि बेहतरीन सेशन पार्ट वाइज पार्ट फिजिक्स का और बायोलॉजी का चल रहा है, तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन उसका पहुंचना बहुत जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं उसी पुराने जोश और जुनून में अपना बहुत बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अब देखिए, अभी तक हमने जाना था लेक्चर 01 में जेनेटिक मटेरियल के बारे में होता क्या है, तीन चीज बताए थे, डीएनए बता दिए, क्रोमेटिन बता दिए, क्रोमोसोम बता दिए। आज का हमारा लेक्चर क्या है, आज का हमारा लेक्चर है उसी से मिलता जुलता होमोलॉगस पेयर। ये क्या चीज होता है, होमोलॉगस पेयर का मतलब है बच्चों, होमोलॉगस पेयर क्या होता है, जैसे बहुत ध्यान से समझिए। जैसे देखिए, ये जो चैप्टर है आपके पूरा बेस्ड है जेनेटिक पे, जेनेटिक मटेरियल पे। तो जैसे हमको पता है कि मेल के बॉडी में एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं, फीमेल के बॉडी में एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो जब कभी भी हम किसी भी गैमिट या जायगोट, अच्छा गैमिट या जायगोट में आप लोग अंतर जानते हैं कि नहीं जानते हैं, जैसे देखिए, जैसे अगर हम एक छोटे से एग्जाम्पल की बात करें, मान लीजिए एग्जाम्पल यहाँ दे दे रहे हैं, तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे तो एग्जाम्पल में क्या है, जैसे हम जानते हैं कि मेल जो है वो किससे बनता है, एक्स वाई क्रोमोसोम से, और फीमेल किससे बनेगा, एक्स एक्स क्रोमोसोम से। जब इन दोनों का आपस में रिप्रोडक्शन होगा तो एक मान लीजिए एक्स यहाँ से आ गया, एक एक्स क्रोमोसोम इसका हो गया 50%, और एक एक्स यहाँ से आ गया, एक इसका हो गया, तो एक नया इंडिविजुअल बन के तैयार हो गया। तो जो एक एक्स मेल से आया, एक एक्स फीमेल से आया, ये है इसका क्या, ये है इसका जेनेटिक मटेरियल। मतलब क्या है, ये है इसका जीन, एक है सिंगल जीन, या जिसको हम लोग क्या कह देंगे, जिसको हम लोग कह देंगे गैमिट। क्या कहेंगे, सिंगल है गैमिट, और दोनों मिला के क्या कहेंगे, मतलब यक्स यक्स जब आपस में कंबाइन हो गया तब क्या हो जाएगा, यक्स यक्स जब आपस में कंबाइन हो गया तब हम उसको कहेंगे भैया जाइगोट। इतना हमारे हिसाब से अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखिए बच्चों, इसमें हमारा पहला टॉपिक क्या है, जैसा कि अभी हमने आपको बता दिया गैमिट और जाइगोट क्या होता है, वही चीज यहाँ पे लिखा है। सबसे ऊपर देखिए, अगर टी और टी आपस में साथ है तो ये दोनों मिला के क्या हो गए, दो क्रोमोसोम हो गए। किसके क्रोमोसोम, प्लांट में अगर कभी हम टी की बात करेंगे मतलब कैपिटल, वो होगा टॉल प्लांट मतलब बड़ा पेड़, और अगर स्मॉल टी की बात करेंगे तो वो होगा छोटा पेड़। तो वही चीज यहाँ पे दिया गया है, अगर टी और टी दोनों कैपिटल में है तो दोनों क्या है, दोनों अगर आपस में कंबाइन है सिंगल हो जाएंगे गैमिट, और एक साथ दिख रहे हैं तो क्या हो गए, जाइगोट हो गए। ठीक, इतना चीज क्लियर हुआ। अच्छा देखिए, दोनों जब टी टी है मतलब पहली बात दोनों कैपिटल लेटर में लिखे गए हैं, दोनों क्या है, दोनों साथ हैं, तो जब दो आपस में गैमिट या उसी को सिंगल जाइगोट कहेंगे, ये आपस में साथ साथ रहेंगे, ऐसे जोड़े ऐसे पेयर को हम लोग होमोलॉगस पेयर कहते हैं। फिर से समझिए, मान लीजिए दो आपका क्या, दो आपका गैमिट आपस में कंबाइन हुआ तो क्या बन गया, एक सिंगल जाइगोट बन गया, और दोनों का स्ट्रक्चर अगर सिमिलर है, जैसे यहाँ पे दोनों टी टी है कैपिटल में है, तो ये क्या हो गए, आपस में जब सिमिलरिटी है तो क्या हो गए, होमोलॉगस पेयर कहलाएंगे। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है कि अगर मान लीजिए यही एक टी रहता, मान लीजिए एक टी, जैसे इसमें देखिए इसमें क्या है, इसमें एक्स एक्स क्रोमोसोम है, ये भी होमोलॉगस है, इसमें स्मॉल टी है, ये भी होमोलॉगस है। अगर मान लीजिए चौथा एग्जांपल दें और कर दें एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी,
ये क्या हो गया हेट्रो, क्या चीज लिखा है हेट्रोलॉगस पेयर कहलाएगा। तो अगर कैपिटल कैपिटल आपस में साथ है तो होमोलॉगस पेयर, अगर कैपिटल स्मॉल आ गया तो हेट्रोलॉगस पेयर कहलाएगा। तो अभी बेसिक टॉपिक चल रहा है, उसका एक टॉपिक और क्लियर हो गया हमारे हिसाब से। अब देखिए उसके बाद बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, कैरेक्टर और ट्रेट आपका हेडिंग लिखा है। देखिए क्या है, कैरेक्टर है और ट्रेट है, होता क्या है। तो सबसे पहली चीज समझिए, जैसे मान लीजिए किसी आदमी की बात हो, ठीक, जैसे मान लीजिए हमारी बात हो, तो हमारे आई मतलब हमारी जो आंखें हैं, ठीक, ये हमारी क्या है एक कैरेक्टर है। हमारा बाल है हेयर, ये क्या है हमारा एक कैरेक्टर। हमारा हाथ है, ये क्या है हमारे बॉडी का एक कैरेक्टर है। अब अगर इसके अंदर हम लोग बात करें, जैसे आंख तो सबके पास है, किसी की आंख ब्लैक है, किसी की ब्राउन है, किसी की ब्लू है, किसी की येल्लो। अब मान लो एग्जाम्पल में ले लो येल्लो आंख होती नहीं है वैसे, तो क्या हो जाएगा अगर किसी बॉडी के पार्ट की बात करेंगे तब वो आएगा कैरेक्टर में, जैसे आई, ठीक। अगर उसके कलर की बात करेंगे, उसके अंदर जाएंगे, उसके टाइप्स की बात करेंगे, उसे कहेंगे हम लोग ट्रेट, ठीक। जैसे हेयर, हेयर का क्या है कलर दो प्रकार का होगा, एक ब्लैक होगा एक व्हाइट होगा, ठीक। वही चीज लिखा है, क्या लिखा है, अगर कैरेक्टर की बात करेंगे उसे हम लोग कहेंगे लक्षण, हमारे बॉडी के पार्ट का क्या क्या लक्षण है, ठीक। लेकिन अगर उसके ट्रेट की बात करेंगे तब उसे हम लोग कहेंगे टाइप्स ऑफ कैरेक्टर, ठीक, क्या कहेंगे टाइप्स ऑफ कैरेक्टर। अब देखिए बच्चों उसके बाद क्या है सेल साइकिल। कुछ बच्चे कक्षा 11 में नहीं पढ़ते ठीक से, जैसे हो सकता है आप भी उसी में कलेगा, ठीक ठीक। अरे भाई हम भी लोग नहीं पढ़े थे, बहुत बढ़िया थे, परेशान ना होइए, ठीक। तो क्या कंडीशन है सेल साइकिल, सेल साइकिल क्या होता है पूरे इस चैप्टर का जान है, ठीक, क्या है पूरे इस चैप्टर का मेन बेस है। अच्छा सेल साइकिल में अभी पूरा तो नहीं पढ़ा पाएंगे क्योंकि 11th का पूरा एक सेपरेट है, पूरा एक चैप्टर है। अगर कमेंट करेंगे आप सब भारी बहुमत में तब उसके लिए कोशिश किया जाएगा, ठीक। लेकिन उसके पहले क्या है सेल साइकिल एक बहुत छोटे से तरीके ट्रिक में देख लीजिए क्या है सेल साइकिल। मतलब एक साइकिल, साइकिल में कुछ चक्के लगे होते हैं, हमारे वाली जो साइकिल चलाते हैं उसमें दो चक्का है, उसी तरह से क्या है इस सेल साइकिल में क्या है एक साइकिल में चार फेज होते हैं, जैसे दिन रात दोपहर शाम, वैसे इसके साइकिल में कितना फेज है चार फेज है। देखिए शुरुआत कहां से, सबसे पहले जीवन फेज, जीवन फेज मतलब क्या है ग्रोथ फेज। सबसे पहले सेल हमारी बॉडी की क्या होगी जब बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी तो कहेगी आओ भैया हम लोग अपना डिवीजन कर लें, और जब डिवीजन करेगी तो सबसे पहले किसकी किससे शुरुआत करेगी जीवन फेज से शुरुआत करेगी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जीवन और यस के बीच में एक छोटा सा फेज होता है जी नॉट फेज, लेकिन उसको हमने नहीं लिखा है, आप जानकारी के लिए जान जाइए। फिर क्या होगा इसमें धीरे धीरे सेल डिवाइड होगा, इसमें क्या होगा उसके अंदर का क्रोमोसोम, उसके अंदर का डीएनए, डीएनए धीरे धीरे कंडेंस होगा क्रोमेटिन बनेगा, और कंडेंस होगा क्रोमोसोम बन जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं इसको हम कल के लेक्चर में बहुत बढ़िया समझाएं, उसको समझ लीजिएगा, ठीक। और उसके बाद क्या है धीरे धीरे जैसे रिप्लिकेशन होगा वैसे जी टू फेज आ जाएगा। अब क्या होगा, अब सेल पूरी तैयारी बनाएगा कि हाँ अब हम डिवीजन के लायक हो गए हैं, इसको भी हम लोग ग्रोथ फेज ही कहेंगे। उसके बाद यंग फेज में देखिए रेड कलर से क्रोमोसोम बनाए हैं, इसका मतलब यह है कि बॉडी के अंदर जो सेल का डिवीजन है, सेल के अंदर क्या होगा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होगा क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम हमें सेल साइकिल के किस फेज में देखने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ यंग फेज में देखने को मिलेगा, पहली चीज। दूसरा चीज, डीएनए का कंडेंसेशन किस फेज में शुरू होगा, वो भी इसी यंग फेज में शुरू होगा, और क्रोमेटिन भी यंग फेज में ही बननी कंडेंस होनी शुरू हो जाएगी। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग की बॉडी, हम लोग जैसे जीव है, बड़े बड़े जानवर जैसे हम इंसान है, कुत्ता है, बिल्ली है, हाथी है, चीता है, शेर है, इन सबके बॉडी में क्या है जो नॉर्मल सेल है वो एक सेल दो सेल बनने में 24 घंटा लगता है, लेकिन फंगी अगर किसी सेल की बात करें फंगल सेल की तो सिर्फ 90 मिनट में डिवाइड हो जाएगा। इसीलिए किसी को रिंग वॉर्म मतलब दाद हो जाता है, दाद भी होता है फंगी से, उसको खुजलाएंगे और जैसे खुजलाए वैसे क्या हुआ एक घंटे दो घंटे बाद फिर से वहां पे ज्यादा मात्रा में दाद फैल गई इधर उधर। क्यों, क्योंकि 90 मिनट के अंदर जो फंगी थे वो एक सेल से मतलब दो सेल बना लिए, और उसमें एक सेल तो थे नहीं, एक आध हजार सेल थे जहां पे आपका फंगस हुआ था, फंगल इन्फेक्शन, ये कंडीशन होता है। तो ये हमारा हो गया बेसिक। अब देखिए
इस चैप्टर का मेन पॉइंट क्या है। ठीक, देखिए ध्यान से समझिएगा। शुरुआत है चैप्टर की कहां से, जेनेटिक्स से। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर का नाम है। तो मेनली इनहेरिटेंस और वेरिएशन होता क्या है ये चीज हमें समझना है। तो वही चीज लिखा है कि सबसे पहले देखिए जेनेटिक्स क्या होता है। जेनेटिक्स का मतलब क्या है, जेनेटिक्स का मतलब है कि ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हमारे बॉडी में दो कंडीशन है, एक कंडीशन होता है हेरिडिटी, दूसरा कंडीशन होता है वेरिएशन। ये दोनों आता है जेनेटिक्स के अंदर, और इसी हेरिडिटी को हम लोग इनहेरिटेंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक, इतना हो गया। लेकिन हेरिडिटी या इनहेरिटेंस होता क्या है, तो ट्रांसफर ऑफ ट्रेट बाई प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब हमारे माता पिता से हमारे अंदर जो भी उनके लक्षण ट्रांसफर हुए हैं, इस ट्रांसफर होने वाले पूरे प्रोसेस को हम लोग हेरिडिटी या इनहेरिटेंस कहते हैं। अच्छा ठीक, इतना समझ गए। वेरिएशन क्या है, डिग्री, क्या चीज, डिग्री ऑफ डिफरेंस। जैसे हम अपने माता पिता की एकदम एग्जैक्ट कॉपी नहीं है कि अगर लड़का हुआ तो बिल्कुल अपने पिता की तरह ही लग रहा है, लड़की हुई एकदम अपनी मम्मी की तरह लग रही है, ऐसा कंडीशन नहीं। 50% उनसे आया है, 50% उनसे आया है, तो कितना डिग्री डिफरेंस है उन दोनों में, मतलब हमारा नेचर हमारे माता पिता से कितना अलग है। हो सकता है हमारे पापा बहुत सीधे हो और हम खुरापाती टाइप के निकल जाए। ठीक, ये सब जो कंडीशन है किसमें आएगा, इस वेरिएशन वाले में आएगा, डिग्री ऑफ डिफरेंस, कितना ज्यादा हमारे माता पिता से हमारे अंदर अंतर देखने को मिल रहा है। ठीक, इतना चीज हो गया। दूसरा चीज क्या है, वेरिएशन देखा जाएगा दो जगह, एक बच्चा मतलब प्रोजनी, प्रोजनी मतलब बच्चा, बच्चे से पेरेंट्स में, मतलब माता पिता से बच्चा कितना अलग है। और दूसरा चीज, मान लीजिए एक ही पेरेंट, एक ही कपल के दो लड़के हो गए, तो उन दोनों सगे भाइयों का आपस में नेचर कितना अलग है, ये भी वेरिएशन में देखा जाता है। ठीक, उसके बाद देखिए जेनेटिक्स, भैया बहुत बढ़िया चीज है जेनेटिक्स, वही पूरा मेंडल चाचा इसके बाद वाले लेक्चर में मिलेंगे। जेनेटिक्स होता क्या है, अगर ये आपसे कोई पूछे कैसे इवॉल्व हुआ, तो एनसीईआरटी का पहला पेज जब इस चैप्टर का खोलेंगे तो कहता है कि आखिर ये कैसे होता है कि हाथी का बच्चा हाथी के बच्चे, मतलब जैसे हाथी होता है वैसे ही उसका बच्चा पैदा होता है, हाथी का बच्चा काहे घोड़े के बच्चे जन्म नहीं दे देता, इंसान का बच्चा इंसान की तरह क्यों होता है, ये सब चीजें जो है इसका एवोल्यूशन धीरे धीरे हुआ है जेनेटिक्स नामक टर्म से। आप पहला पेज पढ़ेंगे एनसीईआरटी का, बगल में पेस्ट करवा दिए हैं, पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक, पहली चीज। दूसरा चीज क्या है, बहुत पहले के समय में कुछ लोग थे, कुछ हमारे पूर्वज थे, वो सब क्या कर रहे थे, सम प्रीवियस नॉलेज, उनको ये तो पता था कि भाई बच्चा उच्चा होता है तो जाहिर सी बात है रिप्रोडक्शन से होगा। और दूसरी चीज क्या है, रिप्रोडक्शन से कुछ तो सिमिलरिटी होती है, जैसे उसके फादर का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव था तो उसके बच्चे का भी हो जाएगा, जाहिर सी बात है। लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि मान लीजिए उसके फादर की लंबाई थी 5 फीट और लड़का चला गया मम्मी के लंबाई पे, मम्मी थोड़ी सी लंबी थी तो लड़का हो गया 6 फीट का, तो ये वेरिएशन आ गया। तो जो पूर्वज थे हमारे, एंसिस्टर थे, साइंटिस्ट थे, वो इन्हीं चीजों को बहुत पुराने समय से डिस्कवर कर रहे थे, डिस्कवरी कर रहे थे कुछ प्रीवियस नॉलेज को लेके। और उन्होंने किस पे काम किया, सबसे पहले एग्रीकल्चर, भाई खेती खाएंगे नहीं तो करेंगे क्या। और एग्रीकल्चर में क्या है, दो चीज इन्होंने देखा, पहला आर्टिफिशियल सिलेक्शन, दूसरा डोमेस्टिकेशन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या होता है, सबसे पहले जैसे आज के समय में, बहुत पहले के समय से धीरे धीरे डिस्कवरी कर रहे थे, तब आज के समय में हमको कलमी आम मिल पाया नहीं, पहले देसी आम होता था, छोटा छोटा आम था। अब मार्केट में एक बार कलमी आम का बिया लगाइए आप लोग कहीं पे अपने घरों में, और 2 साल बाद वो फल देना तैयार कर देगा, ये कंडीशन। छोटा सा खेत में अभी छोटा सा फल आया है पेड़ में, और रात में जाएंगे क्या करेंगे व्यापारी लोग, इंजेक्शन लगाएंगे, सुबह 5 किलो का हो जाएगा। ये क्या है, ये है हमारे जेनेटिक्स का कमाल। लेकिन कहीं ना कहीं फायदेमंद है तो कहीं ना कहीं बहुत हानिकारक भी है। ठीक, तो क्या है, यही है आर्टिफिशियल सिलेक्शन, जिसमें प्लांट को धीरे धीरे सुधारा गया, नई नई वैरायटी लाई गई, और कुछ बीज को बहुत बढ़िया तरीके से आर्टिफिशियली जेनेटिकली उसको सुधारने की कोशिश किया गया। और दूसरा चीज क्या है, डोमेस्टिकेशन, जैसे पहले क्या था, बहुत पहले के समय से जो गाय होती थी उनका ठीक ठाक मतलब नेचर बिहेवियर नहीं था, तो हमारे मतलब पूर्वज क्या किए, साइंटिस्ट क्या किए, उन गाय को पकड़े, एक बढ़िया बैल को पकड़े, दोनों का क्रॉस करवाए, उनका बच्चा हुआ उससे क्रॉस करवाए, उनका बच्चा हुआ उनसे क्रॉस करवाए, करवाते करवाते उनको धीरे धीरे क्या मिल गया, एक बहुत बढ़िया काऊ का ब्रीड जिसका नाम है साहीवाल
साल काऊ साहीवाल गाय। भैया स्क्रीन पे फोटो लगवा दिए हैं, सबके घर में है, सब लोग जानते हैं। साहीवाल का दूध खाने में भी बढ़िया होता है, गाय तो बढ़िया सीधी साधी होती ही है। तो ये कहाँ से आया है? ये आया है हमारा जेनेटिक्स के डेवलपमेंट से, उसके एवोल्यूशन से, पीढ़ी दर पीढ़ी बदलाव करते करते हमको ये चीजें देखने को मिली है। ठीक, यहाँ पे हमारा लेक्चर 02 खत्म होता है। इसके बाद क्या कंडीशन है? इसके बाद हम पढ़ेंगे मेंडल अंकल के बारे में। अगर पूरा लेक्चर समझ में आया है और अभी तक लेक्चर 01 नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में फिजिक्स का भी आपको क्या है, डिस्क्रिप्शन में उसके वीडियो का लिंक दे दिया गया है, प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया गया है, बायोलॉजी का दे दिया गया है। बाकी अगर जरूरत हो तो स्क्रीन पे देखिए लोगो दिख रहा है चैनल का, उसको टच करिए और आराम से जाइए चैनल पे देखिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।